पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, ठीक है? उसी से आगे क्वेश्चंस निकलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम टू लॉज बाय किरचॉफ, गिवन बाय किरचॉफ. यस, नेम टू लॉज गिवन बाय किरचॉफ. अरे, किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ किरचॉफ करंट लॉ? विदिशा, आप बताओ, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ किरचॉफ करंट लॉ? दूसरा नेम क्या है किरचॉफ करंट लॉ का, बताओ विदिशा. विदिशा, अनम्यूट योर सेल्फ, बताइए, व्हाट इज द अदर नेम जंक्शन? हाँ, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, करंट लॉ का दूसरा क्या नेम है? अरे, सिर्फ नेम ही पूछा है. जंक्शन रूल कहते हैं ना इसको, जंक्शन रूल. यस मैम. और सेकंड जंक्शन रूल बोला है मैंने. अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा था. और सेकंड रूल इज आल्सो कॉल्ड लूप रूल. Which law out of these is in accordance with conservation of charge? Which law is first law? Yeah. First law, and second is in accordance with energy. What? Energy. Yes. तो ये question भी था paper में, order में बताना था आपको. First और second, charge and energy था. I think this was in set B only. Color code of carbon resistors. ठीक है, एक क्वेश्चन इसका आप मेरे को बताएंगे अभी सॉल्व करके. सीक्वेंस ऑफ कलर्स इज दिस, ब्राउन, रेड, गोल्ड. ब्राउन, रेड, ग्रीन एंड गोल्डन. चलो बताओ, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर? टेल मी, ब्राउन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? वन. वन. रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? टू. ग्रीन के कॉरेस्पॉन्डिंग वी हैव फाइव. और गोल्डन कलर के लिए टॉलरेंस कितनी है? 5%. तो 12 × 10⁵ प्लस माइनस 5% ओम, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रेजिस्टर. ठीक है, एक बार रिकॉल कर लीजिए सारे कॉन्सेप्ट्स बार बार से जो भी हैं. ठीक है, चलिए. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ. आप मुझे बताएंगे सॉल्व करके आंसर क्या है. ठीक है, चलो नोट करो. करंट आई निकालना है आपको, हरी अप, बहुत 2 मिनट का काम है ये. डिवाइड द करंट एंड देन अप्लाई द सेकंड लॉ रूल. करंट किसी भी सेल में से निकाल लो, ठीक है, अप्लाई द रूल एंड टेल मी द करंट, व्हाट इज द आंसर? जस्ट अप्लाई द रूल. हो रहा है, देखो, करंट डिस्ट्रीब्यूट करो, कहीं से भी ले लो. सपोज दिस इज आई करंट, तो ये सारा हम आई करंट ले सकते हैं, सारा के सारा, क्योंकि एक ही क्लोज लूप है. तो जस्ट अप्लाई नाउ किरचॉफ्स लॉ. कौन बताएगा क्या इक्वेशन बनेगी? यस,
विदिशा आप बताओ व्हाट इज द इक्वेशन इन दिस केस. विदिशा विदिशा इक्वेशन बताओ क्या बनेगी. विदिशा वरुण आप बताओ. वरुण व्हाट विल बी द इक्वेशन. बोलो यहां से स्टार्ट कर दो. स्टार्ट फ्रॉम हियर. टू इन टू आई प्लस वन इन टू आई प्लस टू इन टू आई प्लस वन इन टू आई. ठीक है टू वन टू और वन कितने हो गए सिक्स हो गए. सिक्स आई हो गया. टू आई प्लस वन आई प्लस टू आई प्लस वन आई इक्वल टू. अब वोल्टेज लिखनी है आपने. अब नेगेटिव टर्मिनल किसका पहले आ रहा है इसका तो पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस नाइन. इसका नेगेटिव आ रहा है तो प्लस थ्री. ठीक है तो प्लस थ्री माइनस नाइन इज द इक्वेशन क्लियर. तो ये आ गया सिक्स आई इज इक्वल टू माइनस सिक्स. सो आई इज माइनस वन एम्पियर. इसका मतलब हमने करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट ली है. करंट इज अदर वे राउंड अदरवाइज. ठीक है राइट नाउ वी हैव टेकन डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट. तो अगर ऑपोजिट है अपने आप माइनस साइन आ जाएगा. ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस. किसी को डाउट इसमें. सिंपलेस्ट किरचॉफ लॉज का क्वेश्चन था ये. तो आंसर बताइए बच्चे अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है मुझे तो पता चले ना कि आपने सॉल्व किया है राइट. चलो नेक्स्ट देखो. इन द सर्किट गिवेन बिलो करंट इन पी क्यू ब्रांच इज. ठीक है ऑप्शंस आर करंट इन पी क्यू ब्रांच. विद डायरेक्शन आपको ऑप्शन बतानी है. तो इस क्वेश्चन में अकेला सॉल्व करके काम नहीं चलेगा. आपको डायरेक्शन के साथ आंसर बताना है. चल बताइए डायरेक्शन के साथ. अब आप ऑप्शन बताओ कि क्या आएगा इस काम से. कहीं से भी करंट ले लो. सेल तो भी है आप कहीं से भी ले सकते हो. सपोज आई करंट गोज फ्रॉम दिस साइड. ठीक है तो ये आई दो पार्ट्स में डिवाइड होगा आई वन एंड आई टू. ठीक है तो इसमें से आई टू आ जाएगा घूम के इधर और ये आई वन. आई वन प्लस आई टू अगेन आई. तो एक इक्वेशन तो आपकी आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू है. चलिए सॉल्व करिए. एंड आपको क्या निकालना है करंट थ्रू पी क्यू ब्रांच मीन्स आई वन निकालना है. चलिए आई वन बताइए कौन सा आएगा. सॉल्व दिस हरी अप. चलो भाई सॉल्व करो. बोलो आंसर.
चलिए चलिए हरियाब, यशिका क्या आंसर आ रहा है? यशिका व्हाट इज आंसर, हैव यू सॉल्व? अरे बच्चे जवाब तो दो, आर यू देयर यशिका? सॉल्व। हाँ कितना आ रहा है? हम सॉल्व कर रहे हो। अच्छा एनीवन हु हैज सॉल्व? तुषार, तुषार हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? मैं अभी नहीं किया। ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। एक इक्वेशन आई है मैम। चलो ये वाली लगाते हैं पहले, सो टू आई, इसमें से तो आई जा रहा है, टू आई प्लस वन इन टू आई वन प्लस थ्री इन टू आई इक्वल टू नाइन, तो ये हो गया आपका 5i प्लस आई वन इक्वल टू नाइन, ये एक इक्वेशन होगी, ये वाली लूप लगाई है हमने, ठीक है। नाउ लेट अस अप्लाई दिस लूप, सेकेंड लूप नाउ, तो ये हो गया 3i2 माइनस 1 इंटू आई वन इक्वल टू सिक्स, ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब तीन अननोन्स हैं, तो थर्ड इक्वेशन कौन सी आपकी? आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, तो तीन इक्वेशन हैं, तीन अननोन्स हैं, इनको आप आई को ऐसे करो ना, यहाँ पे पुट कर दो, फाइव आई वन प्लस फाइव आई टू हो जाएगा यहाँ पे, तो पुटिंग इट हियर वी गेट फाइव आई वन, सिक्स आई वन हो गया प्लस फाइव आई टू इक्वल टू नाइन, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दो। नाउ सॉल्व टू एंड वन, ठीक है, तो कैसे करेंगे? इक्वेशन नंबर टू को सिक्स से मल्टीप्लाई करके वन में ऐड कर देंगे, वन प्लस सिक्स मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, तो ये आपका आ गया सिक्स आई वन प्लस फाइव आई टू इक्वल टू नाइन था, और ये हो गया थ्री सिक्स एटीन आई टू माइनस सिक्स आई वन इक्वल टू थर्टी सिक्स, तो इनको प्लस करेंगे, ये एक टर्म कैंसल आउट हो जाएगी हमारी, 18 प्लस 5 23 और 36 प्लस 9 45, I2 is 45 by 23 एम्पीयर, वी नीड टू फाइंड I1, ठीक है, I1 निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते, पुट इन टू, पुट इन टू 3 I2 माइनस आई वन इक्वल टू सिक्स, बस इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आई वन आ जाएगा, तो ऑब्वियस है कि आंसर है आपका 0.13, बट उसकी भी दो ऑप्शंस है, 0.13 फ्रॉम क्यू टू पी है कि फ्रॉम पी टू क्यू है, दैट यू विल गेट टू नो फ्रॉम द साइन, अगर तो पॉजिटिव आता है इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने मेंशन की पी टू क्यू ही है, अगर हमारा साइन नेगेटिव आता है इसका मतलब क्यू टू पी, तो लेट अस फाइंड आउट कि ऑप्शन हमारी बी है कि डी है, आंसर 0.13 आने वाला है, बट ऑप्शन क्या है, बी है कि डी है, दैट यू हैव टू टेल। चलिए अब इतना तो सॉल्व करके बता ही सकते हो, हरी अप सॉल्व दिस एंड टेल मी। नेगेटिव आ रहा है, देखो नेगेटिव आ रहा है माइनस थ्री बाय ट्वेंटी थ्री, इसका मतलब डायरेक्शन तो है क्यू टू पी, और इसको सॉल्व कर लो, थ्री ओवर ट्वेंटी थ्री कितना आता है 0.13, ठीक है, सो आपका आंसर है बी, डायरेक्शन इज रिवर्स, इट इज फ्रॉम क्यू टू पी एंड उसकी वैल्यू है 0.13। वैल्यू इज 0.13। ठीक है, क्लियर? विदिशा टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस।
किसी को डाउट इसमें, तो इस तरह की यही ऑप्शंस भी आ सकती हैं आपको, इन दिस फॉर्म यू कैन गेट द ऑप्शंस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखो अब नेक्स्ट। लिखिए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इज गिवन बाय इक्वेशन 5t² + 2t + 3। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट द थर्ड सेकेंड विल बी, ऑप्शंस आर एट द थर्ड सेकेंड। ठीक है, ऑप्शंस आर चलिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहां पे, विच फॉर्मूला विल बी यूज फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड फ्लक्स, ई इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। चलो सॉल्व करो इसको, पहले डिफरेंशिएट करना है, दैट मींस आपको डिफरेंशिएट करना है, बाद में t इक्वल टू 3 पुट कर देना। चलिए सॉल्व करो, ए आंसर है, ए आंसर 32। लेट अस चेक इट आउट, so e is minus 10t, minus है ना यहाँ पे minus 2, तो put t equal to 3, that is minus 32। चलो values की कितनी है, magnitude उसका कितना है, 32 units। ठीक है, yes the answer is a part, 32 units। मैं मगर add की जगह in होता फिर क्यों ना था, यही फॉर्मूला लगना था। हाँ, फिर भी यही होना था, अब इसमें तो कोई है नहीं ना कि एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर कितना है, यहाँ तो वैसे भी चेंजेस इंडिकेट होते हैं, चेंजेस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस एडी करंट हैज नो रोल टू प्ले, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स, इंडक्शन फर्नेस, एलईडी लाइट्स, मैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेन्स। एडी करंट का कोई भी रोल है किस केस में, कोई भी रोल नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस एडी करंट हैज नो रोल टू प्ले, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स, इंडक्शन फर्नेस, यस सी है, एलईडी लाइट्स, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड सेमीकंडक्टर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद एडी करंट्स, तो उसमें एलईडी लाइट्स आएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट सोलेनोइड एट एनी पॉइंट इनसाइड इट इज B is equal to mu naught Ni. B is equal to mu naught Ni. Magnetic field at the end of solenoid is, magnetic field at the end of solenoid is, options are B by 2, 2B and B by 4. Which option will be correct? ये बताया हुआ है मैंने कि सेंटर ऑफ सोलिनॉइड पे कितना फील्ड होता है, एंड ऑफ सोलिनॉइड पे कितना रह जाता है, कितना होता है एंड ऑफ सोलिनॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये टेंथ में भी बताया गया था आपको सोलिनॉइड। यस, एनी गेसेस मैम, बी या सी में से आया कोई, ओ सॉरी, हाँ मैम बी या सी में से ही है। या का क्या करेंगे, ये बी है, हाफ होता है, एंड्स पे कितना होता है, हाफ ऑफ व्हाट इनसाइड, हाफ ऑफ व्हाट इट इज एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड, तो एंड्स ऑफ सोलेनोइड पे फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय टू, तो
तो आपका आंसर आएगा बी बाय टू, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इट्स आंसर विल बी बी बाय टू। तो एंड्स ऑफ सोलेनोइड पे मैग्नेटिक फील्ड हाफ होता है, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 C कूलम, व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू अ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल टू अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन देन मैग्नेटिक फील्ड इज, देन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, ऑप्शंस आर 1 गॉस, 1 टेस्ला, 1 ओरस्टेड और नन ऑफ द अबव। क्या आएगा? क्या लग रहा है आपको स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस यूनिट में होगी? तब 1 कूलम चार्ज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल्स टू मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, हाउ मच इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? बच्चे बोलो, ये तो टेस्ला की डेफिनेशन है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला, 1 टेस्ला, ठीक है। तो उसको डेफिनेशन को ही दिया हुआ है उन्होंने। एंड आप बताओ कि ओरस्टेड क्या होता है, व्हाट इज ओरस्टेड? ओरस्टेड क्या होता है? इट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये वो नहीं है, बी नहीं है, ये बी का यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का यूनिट होता है टी टेस्ला। ओरस्टेड इज समथिंग डिफरेंट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं हम उसको, ठीक है। वैसे तो बी को भी हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, बट ओरस्टेड कई सैंपल पेपर्स में दिए हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए। इट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इट रेफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज अ स्पेसिमेन, टू मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस, ठीक है। नोट कर लो, इसका यूनिट क्या होता है? ओरस्टेड होता है, मतलब कि 1 ओरस्टेड इज अ बिगर यूनिट and it is 80 ampere per meter, 80 ampere per meter के equal होता है, काफी बड़ा unit है ये। Otherwise जो magnetic field intensity का unit होता है, intensity of magnetizing field, उसका standard unit है ampere per meter, Oersted is another unit और उसकी value है 80 ampere per meter, ये note कर लो आप, ठीक है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? B is equal to, ये जो intensity of magnetizing field है, B is equal to mu H से निकाल सकते हो, H है intensity of magnetizing field, mu आपको permeability पता ही है, उसका unit भी पता है, B का Tesla है, तो यहां से आप solve करके इसका unit calculate कर सकते हो, all right, ठीक है students। आपका टेस्ट भी लेना है मैंने,